क्या आप मांसाहारी हैं या मांसाहार के शौकीन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये खुलासा हुआ है कि शाकाहारियों की तुलना में मांसाहारियों में कैंसर का खतरा अधिक होता है और ये खतरा 50 से 60 वर्ष की उम्र में और बढ़ जाता है। आगे की खबर आपको बताने से पहले ये बताना जरूरी समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज गोरखपुर में है। वही गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है। हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल में भर्ती मरीजों की दिनचर्या और बीमारी पर हुई रिसर्च में ये बात सामने आई है। अमर उजाला में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रोफेसर शरद मिश्र के निर्देशन में डॉक्टर अनुपमा ओझा ने हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर शशांक शेखर के साथ मिलकर नवंबर 2018 से लेकर जनवरी 2019 तक कैंसर की जांच कराने आए लोगों को अपने शोध में शामिल किया। कुल 750 लोग पंजीकृत हुए थे, इनमें जांच के बाद 404 लोगों में कैंसर की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि मरीजों के खान पान और बॉडी मास इंडेक्स को देखा गया। हैरानी वाली बात यह सामने आई कि 80.22% मरीज जो कैंसर के थे वो मांसाहारी थे, जबकि शाकाहारी मरीजों की संख्या 19.77% ही मिली। रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि 51 से 60 वर्ष की उम्र वाले ज्यादा लोग इस बीमारी यानी कि कैंसर की चपेट में आए। इस उम्र में करीब 25% लोग मिले। इनमें 16.83% पुरुष और 8.16% महिलाएं शामिल हैं, जबकि सबसे कम 10 वर्ष की उम्र के रोगी में कैंसर पाया गया। आइए यहाँ जानते हैं कि आखिर कैंसर के मरीज जो भी सामने आए वो लोग क्या क्या नशा करते हैं। कोई नशा नहीं करने वालों में 168 मरीज हैं, इनकी संख्या 41.58% है प्रतिशत में। तंबाकू का सेवन करने वाले 85 मरीज मिले और इनकी संख्या प्रतिशत में 21.01% है। अल्कोहल यानी कि शराब पीने वालों की संख्या 49 थी और इनकी प्रतिशत में संख्या 12.13% है। बीड़ी पीने वालों की संख्या जो थी वो 33 थी और इनका प्रतिशत 8.16% रहा। सिगरेट पीने वालों की संख्या 6 मिली जिनका प्रतिशत 1.50% रहा। गांजा फूकने वालों की संख्या 2 मिली जिनका प्रतिशत 0.50% है और कोई सूचना नहीं, मतलब जिन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि वो कौन सा नशा करते हैं, उनकी संख्या 61 रही और इनका प्रतिशत 15.10% रहा। आखिर कैंसर क्या है ये भी जान लेते हैं। हमारे शरीर में कोशिकाओं का लगातार विभाजन होता रहता है और ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिस पर शरीर का पूरा कंट्रोल रहता है। लेकिन जब शरीर के किसी खास अंग की कोशिकाओं पर शरीर का कोई कंट्रोल नहीं रहता तो वे असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं, उसे ही कैंसर कहते हैं। जैसे जैसे कैंसर ग्रस्त कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं, वे ट्यूमर यानी कि एक गांठ के रूप में उभर आती हैं। हालांकि हर ट्यूमर में कैंसर वाले सेल्स नहीं होते, लेकिन जो ट्यूमर कैंसर ग्रस्त हैं, अगर उनका इलाज नहीं किया जाता तो ये पूरे शरीर में फैल सकता है। कैंसर का इलाज जितनी जल्दी शुरू करते हैं उतना ही नतीजा बेहतर निकलता है। हकीकत यह भी है कि कई डॉक्टर भी इस तथ्य को जल्दी स्वीकार करने से डरते हैं कि मरीज को कैंसर होने की आशंका के बारे में कैसे बताएं। इसलिए वे तमाम दवा देकर पहले देख लेते हैं लेकिन कैंसर के टेस्ट के लिए नहीं कहते। कैंसर के मामले में मौत की ज्यादा वजह शुरुआत में जहां लक्षणों को नजरअंदाज करना होता है, वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह इसे लाइलाज बीमारी मानकर हिम्मत हार देना होता है। हकीकत ये भी है कि जब किसी लड़ाई में हिम्मत पहले ही हार जाए तो जंग शुरू होने से पहले ही दुश्मन के पक्ष में पूरा फैसला चला जाता है। अगर कैंसर को हराना है तो इसकी हकीकत को समझते हुए इसे भी आम बीमारी मानना होगा। इसे हराना मुश्किल तो जरूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट और मैं हूं आपके साथ अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।